सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग ने हिंदी साहित्य में पाठ 4 अगर वे उस दिन भी स्कूल आते तो पाठ का आदर्श पाठ किया था। बच्चों, आज भाग 2 में हम लोग पाठ 4 को ही पुनः फिर से पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं पाठ 4 अगर वे उस दिन भी स्कूल आते तो। कई बार छुट्टी की घोषणा हो जाती थी, लेकिन हम तीनों सुबह सवेरे तैयार होकर स्कूल चले जाते। ऐसा कई बार होने के बाद एक तरीका खोज लिया। अब हम में से कोई एक हर सुबह स्कूल जाते हुए अन्य सहपाठियों को देख लेता, सीटी बजाकर संकेत देता कि आज स्कूल जाना है। सीटी की आवाज़ सुनकर ही हम तैयार होते। सीटी बजाने का तरीका भी तय था, एक लंबी सीटी और फिर एक छोटी, ताकि कभी कोई गलत फहमी ना हो। एक सुबह की बात है, मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। सूरज खिड़की से भीतर झांक रहा था। मैंने नित्य कर्म फटाफट निपटाए, बस्ता कंधे पर रखा, तेज कदमों से स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। हाँफते हाँफते स्कूल पहुँचा। कक्षा में झांका तो अजीत और खजान अपनी सीट पर नहीं थे। तो क्या ये दोनों आज स्कूल नहीं आए हैं? मैं क्लास में जाकर क्या करूँगा, यह सोचकर मैं वापस लौटने लगा। ए लड़के, कहाँ जा रहा है? कौन सी क्लास का है? यह प्रिंसिपल सर की आवाज़ थी। मैं जानता था कि यदि उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ज़ोर से कान उमिठेंगे। मैंने आओ देखा न ताओ, दौड़ा और चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कक्षा में अध्यापक खरगोश और कछुए की कहानी सुना रहे थे। पहली बार मैंने किसी अध्यापक की बात को गौर से सुन रहा था। पहली बार मैंने समूची कक्षा को निहारा। मैंने महसूस किया कि सभी सहपाठी मौन साधे अध्यापक को गौर से सुन रहे हैं। कहानी खत्म होने के बाद अध्यापक ने पूछा, अच्छा बताओ, कछुआ धीमी चाल के बावजूद जीत कैसे गया? कई सहपाठियों ने हाथ खड़ा किया। अध्यापक एक के बाद एक सवाल पूछते रहे। सहपाठी भी तत्परता से उत्तर देते रहे। हर बार मैंने सोचा, यह जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ। अध्यापक ने शाम पट पर लिखा, कहानी में आए खरगोश के बारे में लिखिए। तभी मेरे ठीक सामने बैठे साथी ने मुझे अपने पास बुला लिया। मैंने कनखियों से देखा कि मेरे सहपाठी का हस्तलेख बहुत सुंदर था। जो जवाब मैंने सोच रहा था वह भी लगभग वैसा ही जवाब अपनी कॉपी पर लिख रहा था। मध्यांतर हुआ, सब अपने अपने सहपाठियों के साथ अपना टिफिन साझा कर रहे थे। मैं चुपचाप अकेला खड़ा खजान और अजीत के बारे में सोच रहा था। तभी कुछ सहपाठियों ने मुझे इशारे से बुलाया, मैं चला गया। भूख तो लगी ही थी,
सब ने अपने टिफिन से मुझे कुछ ना कुछ खाने को दिया। खाना खाने के बाद अब हम एक दूसरे का नाम पूछ रहे थे, गांव का नाम पूछ रहे थे। पांचवीं घंटी में दूसरे अध्यापक आए, छठी घंटी में तीसरे और सातवीं घंटी में चौथे अध्यापक आए। मेरी तो धरा ही बदल गई। आज पहली बार मैं इतनी देर कक्षा में रुका था। सभी अध्यापकों को ध्यान से सुना था। एक एक वाक्य उपयोगी लग रहा था। मैंने सोचा, इतने साल, इतने दिन कितनी बातें अनसुनी की, क्यों? आज पहली बार छुट्टी का घंटा अपने कानों से सुना। धीमे कदमों से घर की ओर लौटा। पहली बार वक्त पर घर पहुंचा। मुंह हाथ धोए, खाना खाया, स्कूल बैग को खाली किया, बैग धोया, सभी किताबों कॉपियों पर अखबारी जिल्द लगाई। अब तक जांची ना गई कॉपियों के पन्ने उल्टे। खुद पर बहुत गुस्सा आया। मन में ठान लिया कि अब मन लगाकर सुनना है, मन लगाकर पढ़ना है, मन लगाकर लिखना है, सवालों से जूझना है, कक्षा में सबसे पीछे नहीं आगे बैठना है। बस फिर क्या था, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। खजान और अजीत मेरे दोस्त बने रहे, लेकिन कक्षा से बाहर। कक्षा में मेरी सीट बदल गई। धीरे धीरे मैं भी कक्षा का गंभीर छात्र बन गया। आज स्वयं अध्यापक हूँ। हर साल नया सत्र आते ही बच्चों को यह किस्सा ज़रूर सुनाता हूँ। कक्षा में सबसे पीछे बैठे हुए छात्रों से यह कहना नहीं भूलता हूँ कि सीट बदलती रहेगी। आज जो आगे बैठे हैं, कल वो पीछे बैठेंगे। हर संभव कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे पर नज़र रहे, हर बच्चे की कॉपी जचे, हर बच्चे को बोलने का मौका मिले। आज भी खजान और अजीत का चेहरा याद है। एक बात बार बार याद आती है, मुझे परेशान करती है। यदि उस दिन खजान और अजीत स्कूल आए होते तो मेरा क्या होता? तो प्यारे बच्चों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी? मुझे तो यह कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। यह पाठ मेरा प्रिय पाठ है, क्योंकि बहुत कुछ बातें मेरे जीवन में भी ऐसे ही घटित हुई थी। खैर, अब हम सब इस पाठ से या इस कहानी से क्या शिक्षा या क्या सीख मिलती है उसे सीखेंगे। इस कहानी से हमने यह सीखा कि बचपन के मित्रों सहपाठियों के साथ कई बार व्यक्ति एक ऐसी डगर पर चल पड़ता है जिसका उसे पता ही नहीं होता कि वह उसे कहाँ ले जाएगी। तभी अचानक एक दिन कोई ऐसी घटना घटती है कि व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है। प्रस्तुत स्मरण में लेखक ने अपने बचपन के दिनों और विशेष रूप से उस दिन को याद किया है जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी और वे एक बिगड़े छात्र से कक्षा के गंभीर छात्र बनकर आखिर में अध्यापक बन गए। इसलिए प्यारे बच्चों, शिक्षा हमारे जीवन में बहुत अधिक
महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिक्षा के अध्ययन काल के समय हमें पूरा ध्यान शिक्षा पर लगाना चाहिए, अपने अंदर अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। बच्चों, पूरे साथी हमें नरक में जाने के लिए निमंत्रित और प्रलोभित करते हैं। आशा और उम्मीद के साथ यह पाठ यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबों ने इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुना होगा। इस कहानी से अपने जीवन में इसी पल बदलाव लाइएगा। जैसा कि प्यारे बच्चों, पाठ के अंत में मैंने बताया है कि पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर कार्य हमारे स्कूल के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। सुंदर सुंदर अक्षरों से इस कार्य को अपनी गृह कार्य की कॉपी में ज़रूर से कीजिएगा। दूसरे पाठ के साथ पुनः हम फिर से उपस्थित होंगे, नए पाठ के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।